सत श्री अकाल जी। पीटीसी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हां नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग ने हुण जोर फड़ लिया। चंडीगढ़ मोहाली सरहद ते कौमी इंसाफ मोर्चे ने पक्का धरना लगा दिता है। इन्हां दा कहना है कि बंदी सिंघां दी रिहाई तक संघर्ष जारी रहेगा। बेअदबियां दे दोषियों नूं सजावां दिवाउण सने चार मंगां नूं लैके धरना दे रहे ने। लोगों के वड्डे इकट्ठ नूं वेखदिआं पुलिस दी भारी तैनाती भी इत्थे कीती गई है। चंडीगढ़ जाण तों रोकण लई वड्डे वड्डे बैरीकेड लगाए गए ने। मौके ते रेते नाल भरे टिप्पर भी खड़े कीते गए ने। अज ठारवीं ठंड के बावजूद वड्डी गिणती विच इत्थे लोग पहुँच रहे ने ते इत्थे धरना लगाया गया। लोगों के वड्डे इकट्ठ नूं वेखदिआं पुलिस की भी इत्थे भारी तैनाती की गई है। बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग इत्थे कीती जा रही है। इस तों इलावा कुल चार मंगा ने। मौके ते रेते नाल भरे टिप्पर भी खड़े कर दिते गए ने। इन्हां नूं रोकण दी कोशिश विच इत्थे पुलिस नज़र आ रही है। साडे नाल साडे सहयोगी अंकुश जुड़े ने। अंकुश, इस समय धरने वाली थां तों किस तरह दीआं तस्वीरां सामने आ रही ने? अंकुश, मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है तुहाडे तक? जी नीलम जी। जी जी अंकुश, धरने वाली थां तो इस समय किस तरह दियां तस्वीरां सामने आ रही ने? नीलम, बिल्कुल मैं उसी पक्के मोर्चे वाली थां ते ही खड़ा जेड़ा कि अज मोहाली चंडीगढ़ दे बॉर्डर दे उत्ते लग्या है। कल तो ये जड़ा धरना इतने लगाया गया। एक बार तुम्हें तस्वीर पहले इतने दिखा दा कि जेड़े सिख जथेबंदियां जड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा वालों जड़ा एक वड्डा एक मोर्चा इतने शुरू किया गया। जड़ा सिख जथेबंदी जड़े है उन्होंने वालों ये मोर्चा शुरू किया गया। इतने तस्वीर जी तुम वेखो कि संघनी धुंद पै रही और बावजूद वड्डी गिनती के जड़े सिख संगत इतने पहुँचनी शुरू हो उन्होंने लिए इतने लंगर पानी का भी जड़ा काम है वो शुरू कर दिता गया। चाह पानी का जड़ा लंगर लगातार इतने चल रहा है। तो तस्वीर वेखो तुम कि जिमें दिल्ली के जड़ा मोर्चा जड़ा लगाया गया सीगा किसानों वालों वो 13 महीने जड़ा जिस तरीके बरूहा से जड़ा मोर्चा चलिया तो उत्थे जड़े इंतजाम सके ठीक उसी तरीके से जी तस्वीर इतने भी नज़र आ रही हैं। तो हूँ वड्डी गिनती दे विच जड़ा वो सिख संगत इतने पहुँचनी शुरू हुई है। जी चार जी हक जे इन्हों कहना है कि ये मंगा नहीं बल्कि हक है जड़े जिदे असं इतने आए हैं जिस दे विच जड़े बंदी सिखा दी जड़ी रिहाई सब तो अहम मुद्दा। तो इस तो अलावा जड़े हो जड़े जड़ी बेअदबी जड़े हुई सी उन्हां दे दोषियों नूं सज़ा दिवाण दी जड़ी मंग है उसनों लैके भी ये जड़ा मोर्चा जड़ा लगाया गया है। पक्का मोर्चा जड़े चंडीगढ़ जड़ा मोहाली के बॉर्डर ते लगाया गया है। कल गुरुद्वारा श्री अंब साहब तो यह जड़ा मोर्चा की शुरुआत हुई सी उतों जड़े पैदल यात्रा इतने की गई तो ये राजभवन का घिराव करना चाहते थे लेकिन पुलिस वालों इन्हों इतने चंडीगढ़ मोहाली के बॉर्डर से ही रोक लिया गया। एक बार तस्वीर तुम्हें तो दिखा दा कि वड्डी गिनती दे विच जड़ी है पुलिस फोर्स भी इतने जी तैनात की गई है। ये दूजे पास जड़े वड्डे वड्डे बैरीकेड्स जड़े लगाए गए हैं तो उत्थे उहदे पिछे जड़े वड्डे वड्डे जड़े रेते दे भरे टिप्पर जड़े इत्थे खड़े किए गए हैं। तस्वीर देखो तुसी कि वड्डी गिनती दे विच जड़े इत्थे जड़े लोग है वो इत्थे पहुँचने शुरू हो गए तो जड़े कि अज इत्थे जिस तरीके मोर्चा इत्थे शुरू किया गया एक वड्डा मोर्चा इत्थे लगाया जा रहा है। साडे कुछ सिख संगत गल करदे आ मोर्चा आज तो शुरू हो गया जी पक्का मोर्चा कल तो शुरू होया कल तो शुरू होया पे की केड़ी मंगा है मुख मंगा चार आ जी कौमी मंगा वा सिख कौम दी ते पंजाबियों नाल भी सब सारियां ने मंगा साडे कौम दी खातर पंजाब दी खातर पंजाब नू हरिया भरिया रखण दी खातर जिहड़े नौजवान अजे भी 30-30 साल तो बंद जेलां च ने न्याय नहीं मिलिया कईआं नू हजे तक पैरोल ही नहीं मिल रही उन्हां दी रिहाई वास्ते जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुई है थां थां ते उन्हां दे इंसाफ वास्ते ते साडी इह मंग आ पुरजोर सरकार तों अपील आ कि जे जिहड़ा UAP लगदा वा एक छोटा जिहा किसे को पिस्टल फड़िया जांदा उत्ते लिखिया हुंदा मेड इन पाकिस्तान जां चाइना जां 100 रुपये दा नोट फड़िया जांदा बाहरली करंसी इह कहिंदे UAP लग गया मुल्क नूं तोड़दियां गैर कानूनी गतिविधियां रोकू एक्ट UAP अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट साडा मनना भी गुरु ग्रंथ साहिब की जां किसी धार्मिक किसी भी ग्रंथ की जो बेअदबी हुंदी समाज में कुनत्तण पैदा हुंदी लड़ाई झगड़े हुंदे UAP उत्थे लगना चाहिए भी वह UAP लगे घट तो घट 20 साल की होवे इहदी उम्र कैद तो लोग आपे हटणगे धार्मिक किसी भी गुरु की गुरु ग्रंथ साहिब की जां किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करनी। दूसरा बाइबल
कलां कोट कपूरा विखे गोलीकांड हुई है। सिखा ने प्रोटेस्ट किया जो संविधानक हक है उत्थे दो नौजवानों शहीद कर दिता तो अजे तक वह न्याय नहीं मिलया। दूसरा 328 सरूप दुनी गोमी हो गए एस डी पी सू न्याय नहीं मिल रहा कि पता नहीं लोगों दीज़ा गुम हों देखिया इतने कोई सैकल गुम हो गया कोई पखा गुम हो गया कोई गड्डी कोई मोटरसाइकिल तो इतने 328 सरूप ही गुम हो गए। इस करके इन्होंने साढ़िया चार मंगा एक साड़ी चौथी मंग जी विशेष आ जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी कराई आ जिन्होंने की आ जिन्होंने कराई तो जिन्होंने उन्होंने कराने वाले बचाया वो सारे सलाखा पिछे जाने चाहिए कि यह जे पंजाब के सोहना समाज आ साडा कितना प्यारा समाज सी सानू सौड़ी सियासत ने गंदी सियासत ने जाता पाता इन्हू दोबारा असं सोहना बनाना चाहते कि साढ़िया चार मेन मंगा जी नीलम बिल्कुल अगे की की रणनीति रहने वाली हूँ तुम्हें इतने रोक दिता गया कि पक्का मोर्चा हूँ इतने लाया बिल्कुल असं पक्का मोर्चा उन्ना चेर पक्का मोर्चा जिन्ना चेर साढ़िया मंगा नहीं ये नहीं असं सदाई थोड़ा हाँ कि असं इन्नी ठंड के कक्कर कोरे धुंदा अपन मावं भैनों बजुर्गों बच्चों इतने लिया के बिठाइए जे साडिया मंगा बनिया जाने कल उठ खड़ोवे मेन तो गल आ भी साढ़िया मंगा साढ़े सारे बंदी सिंह आ सारे के सारे रिहा कर जिन्होंने कैदा अपन उम्र कैदा भी डबल डबल कर चुके हैं तो गुरु ग्रंथ साहब के पातशाह के जेडे जिन्होंने ये बेअदबी की उन्होंने सारे अरैसट करके फास्ट ट्रैक कोर्टा के रोज़ की ज एक दिन छड के उन्होंने सुनवाई हो जिन्होंने बेअदबी की आ जिन्होंने कराई आ तो जिन्होंने बचाया वो सारे सलाखा पिछे हो तो असी उठ करांगे सानू इत्थे असी पागल थोड़ा वा मैं तुहाडे मीडियम थ्रू कहना चाहुंगा जी अंकुश तुसी इन्हां नाल गलबात करदे रहो ते तमाम तस्वीरां भी साडे नाल सांझी करदे रहो जो भी अपडेट हुंदा है वो भी सांझा करदे रहो। फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो पक्का मोर्चा इत्थे लगा दिता गया ते बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग कीती जा रही है। अगे वधांगे लहरा गागा विच किसानां ने बैंक मुलाजमां नूं बंधक बनाया। बुजुर्ग औरत दी 2 लाख रुपए की एफ डी दे पैसे ना देण दा इह मामला दस्सिया जा रहा है। एफ डी ते बैंक 1,60,000 रुपए की काट लगा रहा है जिसका विरोध किया गया। इतने काट खिलाफ 27 दिसंबर तो किसानों ने यह धरना लगा के रखा हुआ है। बैंक मुलाजमान ने 6 जनवरी नू पैसे देने का वादा किया सी। एक बार मुड़ तो बैंक मुलाजम पैसे देने तो टाला वट रहे ने ते पैसे ना देण तक किसानों ने धरना जारी रखण का ऐलान कर दिता है। काट खिलाफ 27 तरीक तो यह धरना चल रहा है ते एफ डी ते बैंक 1,60,000 रुपए की काट लगा रहा है जिसका विरोध इतने किसान जथेबंदियों वालों किया गया ते इतने प्रदर्शन करते हुए किसान आगू नजर आए। ये मतलब साड़ी माता सुरजीत कौर ने 2 एफ डियां कराइया सी 2-2 लाख दियाँ जिहड़ी 1 एफ डी का 4,65,000 रुपया मिलना सी दोवां दा जानी 8,40,000 रुपया मिलना सी उदे ये दोनों एफ डियां दे विचों 27 तरीक नूं जानी 92,000 रुपया कट रहे सीगे पर जदों असी इस बैंक का घिरओ कर लिया उदों ये सानू पूरे पैसे देने मन गए पर वो लारे लप्पे लाई गए जानी जदों अज असी पैसे लैन आए अज की तरीक सी पहले 27 तरीक नूं पूरा साडे नाल वादा किया सी इन्हां ने भी ठीक है जी तुसीं आपदे पूरे पैसे ले जिओ अज जदों पैसे लैन आए तो यह दोनों एफडियां दे विच 1,60,000 रुपए का कट लाउण लग गए जबकि उदे 92,000 का सी हुण असी ने बैंक का घिरओ किया होया सारे मुलाजम अंदर ने लेडीज मुलाजम असी ने बाहर कढ़ते तो जिहड़े इन्हां दे हुण मुलाजम ने जां बैंक मैनेजर है उन्हां दा असी ने घिरओ किया होया उन्ना चिर यह घिरओ जारी रहेगा जिन्ना चिर पूरे पैसे सानू यह नहीं गिणाउंदे हैगे।